ये कहानी उस समय की है जब फोन नहीं चला करते थे और चिट्ठियों के माध्यम से लोग एक दूसरे से संपर्क करते थे। दीपक अशोक जी का इकलौता बेटा है, पिछले साल ही सेना में सैनिक की पोस्ट पर भर्ती हुआ है। दीपक और ममता एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है, पर अभी क्योंकि दीपक बॉर्डर पर तैनात है तो शादी की तैयारियों में शामिल नहीं हो सकता। दीपक, अगले महीने ही हमारी शादी है, तुम कब आओगे? तुम यहाँ होते तो हम साथ ही शादी की सारी तैयारी करते, शादी का जोड़ा लेते और तुम्हारे लिए शेरवानी भी। ममता, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, सोच रहा हूँ इस दिवाली पर आ जाऊं, बस एक बार छुट्टी मंजूर हो जाए। दीपक और ममता ऐसे ही चिट्ठियों से एक दूसरे से बात किया करते थे। ममता और दीपक आज से नहीं बल्कि स्कूल के समय से एक दूसरे को चाहते थे, पर पहले उनके इस रिश्ते को उनके परिवार वालों ने ठुकरा दिया था। पर दीपक और ममता के प्यार के आगे आखिरकार उन्हें हारना पड़ा और उनकी शादी के लिए राजी होना पड़ा। अरे दीपक की माँ, दिवाली पर अपना दीपक आने वाला है, यह देखो उसकी चिट्ठी आई है। क्या, दीपक आने वाला है? फिर तो मुझे घर की सफाई शुरू कर देनी चाहिए। उसने देखा तो खामखा चिल्लाने लगेगा मुझ पर, कहेगा माँ तुम दिन भर क्या करती हो, घर की सफाई भी नहीं कर सकती। अरे कर लेना भाग्यवान, पर पहले उसकी सारी मनपसंद की चीजें बना लेना। तुम्हें तो पता है ना, उसे तुम्हारे हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। तो उन्हें बनाकर तैयार कर लेना, खा भी लेगा और अपने साथ ले भी जाएगा। दीपक के आने की खबर से अशोक और सुषमा बहुत खुश थे। आखिर पूरे एक साल बाद उनका बेटा जो घर आ रहा था, वही ममता की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। उसने तो यह सब सोच रखा था कि दीपक के आने के बाद वो उसके साथ कहां कहां घूमने जाएगी। ये दिवाली मेरे लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मेरा दीपक इस दिवाली घर आने वाला है। इससे दूर रहकर पता चल रहा है कि बेचैनी क्या होती है। सोल्जर्स, दिवाली आने वाली है, कौन कौन घर जा रहा है? सर, मैं भी घर जा रहा हूँ। यह दिवाली अपने परिवार के साथ मनाना चाहता हूँ। पूरे एक साल हो गए उनसे मिले, माँ पापा ने तो मेरे आने की सारी तैयारी भी कर ली है। वाह यार, वैसे यार ममता भाभी भी बहुत खुश होंगी ना? उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं कितना एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। दीपक, उनके लिए कुछ लेकर भी जा रहे हो या खाली हाथ? अरे नहीं सर, माँ के लिए मैंने एक सॉल और पापा के लिए यहाँ की खास मिठाई लेकर जा रहा हूँ, उन्हें मीठे का बहुत शौक है। और भाभी जी के लिए? उनके लिए कुछ नहीं। उसने कुछ भी लाने से मना कर दिया, बस कह रही थी जल्दी से आ जाओ, वही उसका सबसे कीमती तोहफा है। ओहो, बड़ी ही रोमांटिक हैं भाभी जी तो। अटेंशन सोल्जर, कल आप सभी को पता चल जाएगा किस दिवाली कौन कौन घर जा रहा है। दीपक रात भर सो नहीं पाता है, वहीं ममता भी रात भर चांद को देखती रहती है और अपनी अंगूठी को निहारती रहती है। अगले दिन कमांडर उमेश सभी सैनिकों को अपने पास बुलाते हैं और एक न्यूज देते हैं। सैनिकों, इस दिवाली पर आप सभी अपने घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है और इस हालत में हम अपने घर पर चले गए तो बॉर्डर की रक्षा कौन करेगा? लेकिन सर, कल तक तो सब कुछ ठीक था। दीपक, दुश्मन का कुछ पता नहीं, वो कब शांत है और कब हम पर हमला करने वाला है, यह खबर भी हमें हमारे इंटेलिजेंस से मिली है। इसी को देखते हुए आपकी दिवाली की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी सैनिक उदास हो जाते हैं, उन्होंने जो सपने संजोए थे सब टूट जाते हैं। किसी ने सोचा था कि वो इस दिवाली अपने बच्चों के साथ मनाएगा, तो कोई अपने माँ बाप के साथ, तो कोई अपने बीवी बच्चों के साथ, पर उन सभी के सपने एक पल में ही टूट गए। मैं जानता हूँ कि आप सभी अपने घर जाने के लिए कई सपने सजाए बैठे थे, पर क्या करें, यही हमारा कर्म है और यही हमारा फर्ज भी। अपने परिवार से पहले देश हमारा है और हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए आप सभी तैयार हो जाइए। दीपक ममता के लिए पत्र लिखना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो इस दिवाली नहीं आ पाएगा, पर उसे उसका भी समय नहीं मिला। बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई थी, सैनिक अपनी जी जान लगाकर लड़ रहे थे। हम चाहे अपने परिवार के साथ दिवाली मना पाए या ना मना पाए, पर अपने देश पर जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए हमें प्राण ही क्यों ना निछावर करने पड़े। दीपक और उसकी बटालियन दुश्मनों के साथ लड़ रही थी, तभी दुश्मनों ने दीपक की तरफ बम फेंकने शुरू कर दिए। अचानक से हुए बम धमाकों में कई सैनिक मारे गए, जिससे दीपक गुस्से में आ गया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये दुश्मन हम पर हावी नहीं हो सकते, मुझे माफ करना माँ पापा और ममता,
मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस दिवाली में मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि देश को मेरी जरूरत है। ऐसा कहकर दीपक बमों की बौछार कर देता है, जिसमें दुश्मन देश के कई सैनिक मारे जाते हैं। वहीं दुश्मनों के फेंके एक बम के फटने से दीपक की भी मौत हो जाती है और उसकी लाश के चिथड़े उड़ जाते हैं। दीपक भले ही मर गया हो, पर उसका यह बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज उसी के बदौलत भारत दुश्मन देश को हरा सका। वहीं दिवाली के दिन जब ममता और दीपक के माँ बाप पल के बिछाए अपने बेटे की राह देख रहे थे, तब दीपक की लाश उसके घर आती है, जिस पर तिरंगा लिपटा हुआ था, और उसके माँ बाप ये देखकर बेहोश हो जाते हैं। वहीं ममता पागल हो जाती है। नहीं दीपक, तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकते। तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते दीपक। उठो दीपक, उठो दीपक, उठो। देखो दीपक, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उठ जाओ दीपक। दीपक के जाने के गम से ममता टूट जाती है। वहीं उसके माँ बाप भी अकेले पड़ जाते हैं। ये दिवाली जो उनके लिए बहुत यादगार होने वाली थी, वो बस उन्हें दुख देकर चली जाती है, और दीपक जैसे कई फौजी भाइयों के परिवार को भी। पर आज इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं, इसलिए इस दिवाली एक दीपक अपने फौजी भाइयों की सलामती के लिए भी जलाएं। रामपुर नाम के गांव में अरुण अपने परिवार के साथ रहता था। अरुण के परिवार में उसकी माँ श्यामा, उसकी पत्नी गौरी और भाई करण और एक छोटी बहन दीपा थी। अरुण एक फौजी था और दिवाली की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। अरुण को भगवान में बहुत विश्वास था और वो भगवान को बहुत मानता था। वहीं उसका भाई करण भगवान में जरा भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, वो दोनों भाई शहर जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक माता रानी की मूर्ति पड़ी दिखाई देती है, जो कि खंडित थी। अरे करण, रुक तो जरा, ये देख माता लक्ष्मी की मूर्ति कैसे पड़ी हुई है। अरे भैया, एक मूर्ति ही तो है, पड़े रहने दो ना यहीं। अरे नहीं, मैं इसे अपने साथ लेकर चलता हूँ। पर ये तो टूटी हुई है, और टूटी हुई मूर्ति घर में नहीं रखते। चल, हम शहर जा रहे हैं ना, वहां मैं एक मूर्तिकार के पास जाकर इसे सही करवा लूंगा। मुझे इसे यहाँ छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। और देख, इसमें माता रानी कैसे मुस्कुरा रही है। मुझे तो कहीं से कुछ स्पेशल नहीं नजर आ रहा है इसमें, और वैसे भी मैं तो भगवान को मानता भी नहीं हूं ना। वो दोनों बाजार जाकर माता रानी की खंडित मूर्ति सही करवा लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अरुण सभी को मूर्ति दिखाता है। माँ देखो ना, माता रानी का चेहरा कैसे ज्योति से चमक रहा है। मूर्तियां तो कई देखी, पर इसके जैसी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वयं माता रानी आ गई हो। हाँ जी, माता रानी के चेहरे से एक अलग ही तेज झलक रहा है। अरे यार बस करो, जब से आए हैं माता रानी लगा रखा है। अरे एक मूर्ति तो है ये। अरे भैया ऐसा नहीं कहते, नहीं तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। करण वहाँ से चला जाता है। अगले दिन धनतेरस था, सभी घर पर नया सामान लाने की सोच रहे थे। वैसे तो धनतेरस पर सोने या चांदी का सिक्का लेना शुभ रहता है, सभी वही लेते हैं। अरे यार क्या ड्रामा है तुम्हारा, कुछ शुभ अशुभ नहीं होता, यह सब बस मन का वहम होता है और कुछ नहीं। नहीं करण, ऐसा नहीं है। तुझे अभी माँ की महिमा के बारे में कुछ पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा उस दिन तो कुछ और ही होगा। फॉरगेट इट, मुझे कार चाहिए, इसलिए भैया आप मुझे कार दिलवाओ। वैसे भी आज तो धनतेरस है, आपकी माता रानी का दिन। ठीक है चल, तेरी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। माँ मैं अभी आया। अरुण और करण कार के एक शोरूम में जाते हैं और एक नई कार खरीद लेते हैं। चल पहले नारियल फोड़ देते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से आज हमारे घर में नई कार आई है। अरे भैया तुम भी ना, हटो, ये सब मैं नहीं मानता। मैं तो चला गाड़ी लेकर अपने दोस्तों को दिखाने। अरे मुझे तो घर छोड़ दे, आप खुद आ जाना। अरुण रिक्शा लेकर घर आ जाता है। शाम हो चुकी थी, सभी माता रानी की पूजा करने लग जाते हैं। हे माता रानी, अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना और मेरे परिवार का ख्याल रखना। आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, बस यह यूं ही बना रहे। जय लक्ष्मी मैया की। भैया माता लक्ष्मी की इस मूर्ति को देख के ऐसा लगता है कि सच में माता लक्ष्मी सामने बैठी हूँ। दीपा मैंने कुछ मिठाई खरीदी है, चल गाँव वालों में वो बांट कर आते हैं। दोनों भाई बहन अभी मिठाई बांट रहे थे कि तभी अरुण का फोन बजता है। हेलो, आप अरुण बोल रहे हैं? हाँ हाँ, आप कौन? मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है।
आप जल्द से जल्द आ जाइए। अरुण यह सुनकर घबरा जाता है और दीपा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। आप पैसे उनके भाई हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं ही हूँ उसका भाई। मेरा नाम अरुण है, मैं आर्मी में एक जवान हूँ। देखिए, आपके भाई की हालत बहुत ही नाजुक है, चोट बहुत गहरी आई है। इतने अच्छे दिन पर ये क्या हो गया? अरुण भैया, करण भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? माँ को पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा करण को। माता लक्ष्मी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो यही रुक, मैं अभी आता हूँ। अरुण दौड़ते हुए सीधा घर जाता है और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगता है। हे माता रानी, ऐसा मत करो, इस पावन दिन पर ऐसा जुल्म मेरे परिवार पर मत करो, करण की रक्षा करो माता रानी। तभी एक रोशनी पड़ती है और उस मूर्ति से माता निकलकर सामने आती हैं। रो मत मेरे फौजी बेटे, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। जिसका भाई मेरा भक्त हो और देश का रक्षक हो, मैं उसके भाई की जान कैसे ले सकती हूँ? मैं तेरे त्याग और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मुझे अपने घर में आसरा दिया जब मैं सड़क पर पड़ी हुई थी। मैं भला तुझे क्यों उदास करूँगी? जाके देख अपने भाई को, अब वो एकदम ठीक है। अरुण वापस अस्पताल जाता है और देखता है कि उसका भाई अब होश में आ गया है। अरुण भैया, आपको पता है माता लक्ष्मी मेरे सपने में आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे प्राण को तुझे वापस कर रही हूँ सिर्फ तेरे भाई की वजह से, क्योंकि उसकी भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। और उन्होंने मुझे आदेश भी दिया कि मैं गरीबों की मदद करूँ और जरूरतमंदों को भोजन दूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चल अब घर चलते हैं। वो तीनों अब घर आ जाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर वही कार खड़ी नजर आती है जिससे करण का एक्सीडेंट हुआ था। अरे ये कार तो पूरी तरह से टूट गई थी, ठीक कैसे हुई? माता लक्ष्मी की कृपा से। यह तूने धनतेरस पर ली थी ना, और धनतेरस पर लिया गया सामान बहुत शुभ होता है और माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। वो सभी बहुत खुश थे। अरुण की तरह अब करण भी भगवान में विश्वास करने लग गया था और माता लक्ष्मी की पूजा भी। तो ये थी हमारी कहानी फौजी का धनतेरस।